ठीक है, अपन चालू कर रहे हैं। तो मैम। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज हैविंग इक्वल वेलोसिटीज? डायरेक्शन सेम डायरेक्शन इज सेम। मैम जीरो। ओके, एंड व्हेन डायरेक्शन इज अपोजिट? मैम इफ बोथ आर मूविंग विद वेलोसिटी देन द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 2v ओके। इन अपोजिट डायरेक्शन। वन सेकेंड। ओके, सो कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी नेगेटिव जस्टिफाई? मैम स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके फाइन। अंडर व्हाट कंडीशन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड? मैम व्हेन द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। ओके फाइन। व्हाट इज द शेप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन? स्ट्रेट लाइन। ओके, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? अ रेलवे कैरेज मूविंग विथआउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस, बी अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ओके, सी अ स्पिनिंग सर्किट, सॉरी अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, फोर्थ अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल। इफ यू वॉन्ट आई कैन रिपीट। मैम ऑप्शन ए कैन बी कंसीडर्ड अ पॉइंट मास। ओके, एंड वॉट अबाउट अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक? इज दिस कैन नॉट बी द आंसर? मैम आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन मंकी साइकिलिंग, कैन यू प्लीज रिपीट। ओके, सो अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो एक इंसान है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और उसके सर पे एक बंदर बैठा हुआ यस है। मैम ये पॉइंट मार्क हो सकता है। ओके ओके फाइन। ओके, सो व्हाट इज द शेप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन? मैम इंक्रीजिंग कर्व। या इंक्रीजिंग कर्व, बट इट इज कॉल्ड पैराबोलिक। ओके, यस चलो ठीक है। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वो हमेशा डिस्टेंस के या तो कम आएगी डिस्टेंस से या फिर इक्वल आएगी। अगर इक्वल आएगी तो स्ट्रेट लाइन में होगा और वो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। स्टार्ट ओके फाइन। पॉइंट से ही घूम फिर वापस उधर ही आ गया तो जीरो हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। समीर वेंट ऑन हिज बाइक, ठीक है, थोड़ा हल्का सा न्यूमेरिकल टाइप है। समीर वेंट ऑन हिज बाइक फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लिख लेना, एंड केम बैक एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी? शुड आई रिपीट? मैम प्लीज रिपीट। ओके, समीर वेंट ऑन हिज बाइक फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड केम बैक एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी? हम 2 मिनट। ओके,
48 किलोमीटर पर आवर। हाँ चलो गुड. ओके ओके. कैन यू टेल मी एनी एनी और थ्री वट एवर थ्री काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन. इफ यू रिमेम्बर ऑल द थ्री टेल मी थ्री और एनी वन और एनी टू वट एवर यू हैव. फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस at, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज यस एक्सेलरेशन व्हिच हाँ शुड बी कांस्टेंट एंड t इज टाइम। ओके. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एंड द रेस्ट वैल्यूज आर सेम एज ऑफ 1 एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 as। ओके फाइन गुड. ओके जस्ट टेल मी आई एम टेलिंग यू अ न्यूमेरिकल यू नीड नॉट टू सॉल्व इट यू जस्ट नीड टू टेल मी द इक्वेशन द काइनेमेटिक इक्वेशन यूज्ड इन इट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स इट अटेन्स अ हाइट एच आफ्टर 5 seconds एंड अगेन आफ्टर 9 seconds कम बैक. वॉट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ हाइट ऑफ एच लाइक वॉट विच काइनेमेटिक will you consider for this? Please repeat the question. Okay, a particle is thrown upwards. It attains a height h after 5 seconds, and again after 9 seconds, come back. What is the speed of the particle at a height h? And third equation can be used. Now v square is equal to u square plus 2as. Yes, ma'am. But there are two time, no? Like the 5 second and 9 second, you know, two Then on time. second equation, second equation. Okay, fine, fine. Okay. Okay. Can you tell me all the types of rectilinear or linear motion? टाइप्स मतलब टाइप्स मतलब लिनियर मोशन कितने टाइप के हैं? लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिनियर मोशन है? अच्छा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन हाँ एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म हाँ मोशन। ओके इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट एंड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ओके फाइन ओके गुड. ओके डिफाइन द टर्म रिलेटिव वेलोसिटी. मैम जब दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कैसा दिखेगा उसे दूसरे की स्पीड क्या होगी उसे रिलेटिव ओके वेलोसिटी कह सकते हैं। हाँ हाँ गुड 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 जैसे अगर दोनों सेम स्पीड पर जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 दिखेगी एक दूसरे ओके को। ओके ओके फाइन गुड. ठीक है तो तुम मुझे अब ये बता दो कि तुमने किया क्या क्या है मतलब कि पिछले पिछले हफ्ते तुम्हारा क्या था मतलब क्या क्या पढ़ा तुमने और इस अगले हफ्ते क्या पढ़ोगे. ठीक है अगले हफ्ते पूरे नहीं नहीं पहले मेरे को पिछले हफ्ते का बता दो तुमने क्या पढ़ा था. ठीक है फिजिक्स का बता दो. फिजिक्स में तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी पिछले हफ्ते कुछ नहीं किया. मैथ्स और केमिस्ट्री कर रहा हूँ। अभी फिजिक्स में अच्छा मैं थोड़ा आगे पहुँच गया था, सर्कुलर मोशन हो गया मेरा, तो ठीक है हाफ सर्कुलर इसलिए अभी मोशन. मैथ्स वन सेकेंड मैथ्स और वन सेकेंड केमिस्ट्री वन कवर कर सेकेंड. रहा था। हाफ सर्कुलर मोशन ओके. केमिस्ट्री में क्या पढ़ा पिछले हफ्ते? पीरियोडिसिटी पूरा हो गया, उसका टेस्ट दिया और फिर केमिकल बॉन्डिंग के 6 लेक्चर्स हो गए। केमिकल पीरियोडिसिटी और बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग के 6 लेक्चर्स. हाँ, और पीरियोडिसिटी का टेस्ट। ओके
ओके मैथ्स में क्या पढ़ा अपन ने पिछले हफ्ते? मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के रहने में करीब 5 वीडियो देखे होंगे, और जिसमें सर होमवर्क देते जाते हैं वो भी कर लिया, और केमिस्ट्री में फिंगर टिप्स भी कर ली मैंने पीरियोडिसिटी की। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री के अपन ने 5 5 वीडियोस देखी है ना? मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, 5 देख लिए होंगे मैंने। अच्छा और क्या किया मैथ्स में? और जो सर होमवर्क देते जा रहे थे वो करते जा रहा था 10 गेज पे। ठीक है ओके फाइन। अच्छा और अब अगले हफ्ते क्या करोगे बता दो। केमिकल मॉडलिंग पूरा करके उसका टेस्ट दूंगा, और ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा करके प्रैक्टिस करके उसका भी टेस्ट, और फिर नया चैप्टर चालू कर दूंगा दोनों में, केमिस्ट्री और मैथ में, ठीक है और वाइवा के लिए फिंगर टिप्स कर लूंगा जिसका जिस टॉपिक का भी होगा। ओके। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी ना अपनी? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री और केमिकल बॉन्डिंग दोनों हो जाएगी पूरी। ठीक है ओके ओके। केमिस्ट्री अच्छा कि केमिस्ट्री का ही था ना। और फिजिक्स में क्या करेंगे अपन? फिजिक्स में जिस भी टॉपिक का वाइवा होगा उसकी फिंगर टिप्स कर लूंगा मैं। अच्छा थोड़ी वीडियोस वीडियोस भी देख लो। वीडियोस में अभी मैं थोड़ा आगे पहुंच गया हूँ, सर बोल रहे थे कि मैथ्स भी कर लेना फिर उसके बाद ठीक आगे है बढ़ जाना, सेमेस्टर ठीक है वन ठीक है मेरा होने वाला है करीब। ओके ओके फाइन। व्हाट्स योर नेम? कल्पेश बात कर। ओके ओके फाइन। थैंक यू कल्पेश, यू कैन लीव। ओके।